अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देखते हैं कि मैं इस वक्त गुड्डू बैराज के मकाम पे खड़ा हूँ। ये गुड्डू बैराज है, इसको सदर अयूब खान ने तामीर करवाया था। ये सिंध और पंजाब के संगम पर वाकई है। इस बैराज के टोटल 65 गेट हैं, जो कि इसका गुजरने वाला तमाम पानी सिंध में दाखिल होता है। सिंध से होता हुआ कुछ पट फीडर से बलूचिस्तान की तरफ भी पानी इसका जाता है। और इस बैराज पे टोटल 4 नहरें हैं, दो एक बलूचिस्तान की तरफ जाता है, दो सिंध की तरफ जाते हैं, और एक सिंध की तरफ नया नहर का काम जारी है, जो अभी तक उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ है। तो अभी जो इसकी फाल नहरें हैं वो 3 हैं। तो आपको कैमरा इस तरफ दिखाएगा, ये पूरा का पूरा दरिया है, ये पाकिस्तान का मेन दरिया है। यहाँ से पानी होता हुआ गुजरता हुआ सिंध में दाखिल होता है। ये दरिया तारीखी लिहाज से बहुत पुराना है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिस्सा है, जो कदीमी लोग यहाँ पर रहते थे, लाड़काना के मकाम पर, टैक्सिला के मकाम पर, तो इसी दरिया के आबाद थे वो लोग। तो तारीखी हिसाब से ये दरिया बहुत अहम है। अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहें, घूमना चाहें, पिकनिक के लिए आना चाहें, तो यहाँ पर बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, कश्ती है, और घूमने के लिए बहुत सारे पार्क बना हुआ है यहाँ पर, बहुत सारी और दीगर चीज़ें भी हैं, मछली का फ्राई है, ताज़ी मछली है यहाँ का। यहाँ पर मौसम पे आप लोगों को यहाँ पानी में डॉल्फिन देख सकते हैं। तकरीबन अगस्त में, सितंबर में, इस माह में डॉल्फिन भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पर, शाम के वक्त खास कर तो बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ पर हो जाता है, जो इसने दरिया के किनारे। तो अभी ये वीडियो था दरिया सिंध के गुड्डू बैराज के हवाले से। तो अगली वीडियो होगी अगले व्लॉग में इंशाल्लाह, कोई अच्छा जगह इंतखाब करेंगे, आप लोगों को भी सैर कराते रहेंगे। आप लोगों का भी सपोर्ट हमें चाहिए हो, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है, तो हम लोग इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों को अच्छे अच्छे से वीडियो देंगे। आप लोग हमें सिर्फ सपोर्ट करते रहें, बहुत शुक्रिया।